हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन टुडेज वीडियो में हम टीचिंग यू हाउ टू क्लीन योर लैपटॉप प्रॉपरली। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे मेरा लेनोवो लीजन 5 गेमिंग लैपटॉप है और इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसके फ्रंट्स के ऊपर भी धूल जमा हो चुकी है, विच इज़ अ वेरी बैड साइन फॉर योर लैपटॉप। क्योंकि अगर लैपटॉप के डस्ट या फिर लैपटॉप का वेंट्स अगर क्लॉग हो जाते हैं तो फिर वो थर्मल थ्रॉटल करने लगता है। मेरा लैपटॉप कुछ दिन से क्रैश कर रहा है थर्मल थ्रॉटलिंग की वजह से। इस वजह से मैं आज अपने लैपटॉप को क्लीन कर रहा हूँ। इस लैपटॉप क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा कंटिन्यू होने देते हो तो फिर एक टाइम के बाद आपके हीट सिंक और प्रोसेसर के बीच में जो थर्मल पेस्ट होता है वो ड्राई हो जाएगा और उसकी वजह से जो थर्मल ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम योर CPU डाई टू योर लैपटॉप हीट सिंक विल नॉट बी प्रॉपर। उसकी वजह से आपके लैपटॉप को थर्मल थ्रॉटलिंग इशू कंटिन्यूस हो जाएगी और आपको एट द एंड ऑफ द डे अपना थर्मल पेस्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। सो शुरू करते हैं प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए आपको ज़्यादा टूल्स नहीं लगने वाले, एक क्लीनिंग ब्रश लगने वाला है। मेक श्योर थोड़ा हार्ड ब्रिसल का क्लीनिंग ब्रश हो क्योंकि आप जब भी इसके फैंस को क्लीन करोगे तो फिर उसके अंदर सॉफ्ट क्लीनिंग ब्रशेस अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते। आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए एंड कीप दिस इन माइंड कि स्क्रू ड्राइवर का जो बिट होना चाहिए वो कम्प्लीटली या फिर प्रॉपरली अच्छे से इसमें अलाइन होते हो, कि थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा स्क्रू ड्राइवर ना हो, क्योंकि इसमें आप कोई लैपटॉप के स्क्रूज को स्ट्रिप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो हुआ तो फिर उस स्क्रू को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यू माइट इवन एंड अप डिस्ट्रॉइंग द प्लास्टिक अराउंड योर स्क्रू होल। तो शुरू करते हैं वीडियो। आप सारे स्क्रूज को अनलॉक कर लो पहले, या फिर जो ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड यू टू प्लेस एनी ओल्ड नैपकिन और समथिंग। जैसे मेरे पास एक टी शर्ट है यहाँ पे, तो मैं इस टी शर्ट को प्लेस कर लेता हूँ वर्किंग सर्फेस के ऊपर। उसके बाद मैं अपना लैपटॉप रखूँगा जिसकी वजह से लैपटॉप के ऊपर स्क्रैचेस ना आ जाए। While opening the screws of your laptop, make sure you have a place to store all the screws or the bits which you have which came out of your laptop, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि हर स्क्रू की लेंथ अलग है। यहाँ पे दो अलग अलग लेंथ के स्क्रूज़ हैं। जो मिडिल वाले स्क्रूज़ हैं वो थोड़े लंबे हैं कंपेयर टू जो एंड वाले स्क्रूज़ हैं, तो उसको आप सॉर्ट करके रखो। जैसे कि मैंने एंड वाले स्क्रू इधर साइड में रख दिया और मिडिल और ऊपर वाले स्क्रूज को मैं इधर साइड में रखता हूँ, जैसे कि मुझको फ्यूचर में इसको वापस इंस्टॉल करने में कन्फ्यूजन ना हो। और एक मैग्नेट हो आपके पास तो अच्छा है, जैसे कि आपको स्क्रूज निकालने में थोड़ी आराम होगा। ध्यान रखिएगा कि कुछ लैपटॉप्स के अंदर स्क्रूज जो होते हैं वो काउंटर संक होते हैं। इसका मतलब है कि स्क्रूज लूज तो हो जाएंगे लेकिन वो कभी भी लैपटॉप के इस चेसिस से बाहर नहीं आते, तो उसको फोर्स करके बाहर निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। यू विल एंड अप डैमेजिंग योर लैपटॉप बैक केसिंग। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने सारे स्क्रूज इधर से निकाल लिए हैं और मैं इसको स्क्रीन के ऐसे रख देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको गैप बनाना हो तो मेरे लिए फिंगर नेल ही काफ़ी है, लेकिन यू विल नीड सम काइंड ऑफ अ गिटार पिग और समथिंग, या फिर आप डेबिट कार्ड, ATM कार्ड्स, किसी भी पतले से डिवाइस का यूज़ कर सकते हो जिसकी हेल्प से आप एक गैप क्रिएट कर सको इस लैपटॉप की हिंज के अंदर, इस लैपटॉप के स्पेसिंग के बीच में, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसका हीट सिंक कम्प्लीटली क्लॉग्ड है। आई डोंट नो हाउ इट इज़ कूलिंग माई लैपटॉप, लेकिन ये कम्प्लीटली ख़त्म है इसकी हीट सिंक्स। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दीज आर वेरी वेरी डर्टी। इतना गंदा नहीं होने देना चाहिए था मुझे अपने लैपटॉप को, लेकिन आई डोंट नो हाउ इट वेंट सो बैड। ओके मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले आप अपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लो। ये बैटरी की क्लिप है, यहाँ से आप आराम से इसको डिस्कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये बैटरी की आपका सॉकेट होता है, इसको आराम से डिस्कनेक्ट कर दो अपना फिंगर नेल यहाँ पर डाल करके इसके, और इसको दोनों साइड से अगर आप खींचोगे तो फिर बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डोंट यूज़ एनी मेटल थिंग हियर क्योंकि वो इशू क्रिएट कर सकता है आपको बाद में। यूज़ अ फिंगर नेल और एनी प्लास्टिक पिग टू डू दिस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है मेरे से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने अच्छे से बैटरी डिस्कनेक्ट कर लिया है। सेफ्टी के लिए इसके ऊपर आप एक टेप भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। आगे बढ़ते हुए मैं अपने फैंस हटा लूँगा और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे हीट सिंक गंदे नहीं हैं ज़्यादा, उसको भी मैं साफ़ करूँगा, लेकिन हीट सिंक ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। फैंस जो है उसके अंदर मैक्सिमम डर्ट ट्रैप हो चुकी है विच प्रोटेक्टेड माई हीट सिंक्स अ लिटिल। तो इन फैंस को मैं हटा लेता हूँ यहाँ से पहले। और ये चीज़ नोटिस करना कि फैंस के भी स्क्रूज अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट लैपटॉप्स। मेरे केस में आई डोंट थिंक सो अलग अलग स्क्रूज हैं, अलग लेंथ के स्क्रूज हैं। हाँ सारे स्क्रूज का लेंथ सेम है फॉर एटलीस्ट फॉर फैन, तो मेरे लिए वो इश्यू नहीं है, लेकिन आपके लैपटॉप में ऐसा हो सकता है। सो जस्ट नोटिस दैट। ये पीछे वाला स्क्रू है जो हिंज के पास लगता है, वो थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू द फॉरवर्ड स्क्रूज, लेकिन जैसा कि देख पा रहे होंगे ये लूज़ हो गया फैन यहाँ से मेरा, और मैं इन स्क्रूज को एक जगह साइड में संभाल करके रख लेता हूँ।
ऑर्गेनाइज्ड वे में। आई थिंक मेरे को अपना हीट सिंक भी निकालना पड़ेगा। आई वॉज नॉट प्लानिंग टू डू दैट बट करना ही पड़ेगा मुझे ये, क्योंकि इसके बिना मैं फैंस को नहीं निकाल सकता। जस्ट डोंट पैनिक, इट्स अ वेरी ईजी टास्क, ये आराम से निकाल पाओगे आप। और हीट सिंक के स्क्रूज बाहर नहीं आते हैं, जस्ट कीप दैट इन माइंड। तो सारे स्क्रूज लूज हो चुके हैं एज फार एज आई थिंक, या सारे स्क्रूज लूज हो चुके हैं। तो मैं पहले हीट सिंक को हटा लूँगा। यहाँ एक टेप लगा हुआ है, उस टेप को हटाना पड़ेगा आपको टू रिमूव द हीट सिंक। और ये हीट सिंक हट गया। ओह शिट, ये बहुत गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है ये। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरा लैपटॉप बहुत गंदा हो गया है। हीट सिंक को भी मैं साफ़ कर लूँगा जल्दी से। मेक श्योर डू नॉट टच दिस सर्फेस, क्योंकि थर्मल पेस्ट है और इसके ऊपर धूल मत जाने देना। तो इसको थोड़ा साइड रखते हैं हम पहले हीट सिंक को। मैं हीट सिंक को ऐसे ऊपर करके साइड रख देता हूँ, नीचे करके मत रखना क्योंकि उसके अंदर डस्ट चिपक सकती है। सेम गोज फॉर हियर एज वेल। और हाँ, ये प्रोसेस में अभी तक मैंने अपने लैपटॉप की वारंटी वॉइड नहीं की है। मैं वारंटी वॉइड तब करूँगा जब मैं ये स्टिकर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर मैं अपना लैपटॉप खुद से सर्विस करता हूँ तो वारंटी वॉइड तो नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनीज को ही पता है। इसी वजह से वो लैपटॉप के पार्ट्स अपग्रेडेबल रखते हैं, एटलीस्ट फॉर गेमिंग लैपटॉप्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द लैपटॉप्स, गेमिंग लैपटॉप्स के लिए ऐसा स्पेसिफिक होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रू के ऊपर लेनोवो का स्टिकर लगा हुआ है। अगर मैं इस लेनोवो का स्टिकर को पंचर कर दूंगा तो फिर मेरे लैपटॉप की वारंटी वॉइड हो जाएगी। उसके अलावा मैं अगर कुछ भी करता हूँ अपने लैपटॉप में तो वारंटी वॉइड नहीं होने वाली। सो आराम से आप कर सकते हो ये प्रोसेसेस। आराम से निकल गया ये स्क्रू, जिससे कि आप देख पा रहे होंगे ये फ़ैन है मेरे लैपटॉप का। और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अपने लैपटॉप को साफ नहीं किया। ये सारे पार्ट्स में खोल के साइड रख करके लैपटॉप को मैं हटा दूंगा, क्योंकि जब कभी मैं इसको साफ करूं तो इसका जितना भी डस्ट है वो इस थर्मल पेस्ट के ऊपर ना सेटल हो। यहाँ पे आप नोटिस करोगे बहुत सारे स्क्रूज कॉमन ब्रैकेट्स के लिए भी होंगे, जैसे कि एक यहाँ पे रैम डोर है, सॉरी मेमोरी डोर है, तो इसके लिए भी फैन का स्क्रू हटाना पड़ेगा मुझे। और यहाँ से मुझको ये निकालना है, वेट अ सेकेंड, टेक योर टाइम, डोंट पैनिक, डोंट अप्लाई लॉट ऑफ प्रेशर। ये निकल गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं लैपटॉप से फैंस और वो सब निकाल लिया मैंने, और लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है मेरा। तो मैं पहले ये लैपटॉप साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फैंस के ऊपर आऊँगा। यू डोंट नीड एनी स्पेशल इक्विपमेंट्स फॉर दिस प्रोसेस। आराम से एक ब्रश लेकर के आप इसको जेंटली साफ करो और ये लैपटॉप साफ हो जाएगा कम्प्लीटली। जैसे कि देख पा रहे हो इधर बहुत सारी डर्ट अक्यूमुलेट हो गई है, आई डोंट नो हाउ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डर्ट आ गई है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं लैपटॉप ओवरहीट होकर के रैंडमली शट डाउन हो जाता था, या फिर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जिसको बोलते हैं, वो मेरे को बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला था अपने लैपटॉप में। और ये इशू इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई थी इधर बीच की, मेरे को लैपटॉप साफ करना ही पड़ा। तो लैपटॉप बहुत ज़्यादा गंदा है ये, नेवर लेट योर लैपटॉप गेट दिस डर्टी। देखिए मैं किसको ही बोल रहा हूँ, मेरा खुद का लैपटॉप गंदा है। सो हाँ, लैपटॉप साफ हो गया, लैपटॉप की छः से साफ हो गई। अब मैंने इसको साफ कर लिया तो मैं इसको साइड हटा देता हूँ। इस इधर भी थोड़ा डस्ट है, लेकिन मैं इसको टच नहीं करूँगा क्योंकि थर्मल पेस्ट की बहुत ज़्यादा करीब है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी थर्मल पेस्ट वेट है मेरा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, लेकिन फ्यूचर में मुझको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं चेंज करता हूँ थर्मल पेस्ट तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और मैं चैनल पर ही आएगी। सो इस लैपटॉप में साइड रख देता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ ज़्यादा डस्ट ना हो। कमिंग टू द फैंस, इस फैन को आप ऐसे होल्ड करके इससे ऐसे साफ कर सकते हो। वेट अ सेकेंड, दिस ऑलरेडी लुक्स 10 times बेटर। और यहाँ पे आप डस्ट देख पा रहे होंगे, द अमाउंट ऑफ डस्ट विच इज कमिंग आउट ऑफ माई लैपटॉप। लैपटॉप के दो साइड्स हैं फैन के, मेक श्योर दोनों साइड से आप क्लीन कर लो उसको अच्छे से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा साफ हो गया है ये। मेरे लैपटॉप के दोनों फैंस साफ हो चुके हैं अच्छे से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इधर। तो इसको साइड रखते हुए अब हीट सिंक के ऊपर पड़ता हूँ। हीट सिंक को साफ करते समय आपको इसके ऊपर कोई भी डर्ट नहीं डालना, तो फिर आप इससे थोड़ा अवे मोशन में साफ करो इसको। और यही रीज़न था मैंने बोला था कि थोड़ा हार्ड ब्रिसल वाला ब्रश लेना, अगर आप ऐसा करते हो तो फिर हीट सिंक के अंदर भी जाकर के ब्रश साफ कर देगा वो। और दिस इज वन हेल ऑफ अ डिस्कस्टिंग लैपटॉप,
लैटर साफ करने के बाद इसके थ्रू अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर हो तो उसमें आप डस्ट एयर ब्लो कर सकते हो। मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें फूंक करके इसके को क्लियर कर लूंगा। डोंट बेंड दीज पाइप्स, क्योंकि अगर आप इसको करते हो देन यू विल बी इन ह्यूज प्रॉब्लम, आपको पूरा का पूरा हीट सिंक रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा साफ हो चुका है, ये क्लियर है काफ़ी। सेम गोस फॉर दिस साइड इज़ लेट मी गेट अ बेटर एंगल, या तो सेम देख पड़ेंगे। और साइड वेंट्स भी साफ हो चुके हैं अच्छे से। तो अब मैं इसको रीअसेंबल करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस पर ज़्यादा अभी डस्ट नहीं है अभी, तो थोड़ा इनके ऊपर आ चुका थर्मल पैड्स के ऊपर, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता। थर्मल पेस्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए ज़्यादा डस्ट। एंड देन आप अपने थोड़ा लैपटॉप केस को भी साफ कर लो, ये बड़े आराम साफ हो जाने वाला है। इफ़ यू डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक्स अटैच टू इट यू कैन इवन वॉश दिस, बट वॉश मत करना क्योंकि उसको सूखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इट्स बेटर टू जस्ट वाइप इट डाउन एंड क्लीन इट। और यहाँ पे स्पेशली गंदगी होगी थोड़ी, यहाँ पे गंदगी होने वाली है तो मैं उसको साफ कर लेता हूँ। दिस इज द टोटल डस्ट अक्यूमुलेटेड फ्रॉम माय लैपटॉप। दिस वाज वन हेयर ऑफ अ डिस्कस्टिंग लैपटॉप, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ये। और मैं इस सरफेस को हटाता हूँ यहाँ से। अरे क्लियर टेबल पर वर्क करते हैं। सो अब बारी है लैपटॉप रीअसेंबल करने की। रीअसेंबली इज ईजियर देन टेकिंग इट अपार्ट। आपको सबसे पहले फैन से शुरू करना है, एंड इसमें दो टाइप के फैंस हैं, एक लेफ्ट और राइट, और वो लेफ्ट और राइट ही जाने वाले हैं, किसी और लोकेशन में वो नहीं जा सकते फैंस। सो मेक श्योर कीप ट्रैक ऑफ दैट। वन मिनट, इसको मैं अच्छे से अलाइन कर दूँ। सो ये पहला फैन अलाइन हो गया यहाँ पे, और दूसरा फैन, फैन को अलाइन करने का तरीका ये है, लेफ्ट और राइट ऐसे पता लगाना है। ये जो टैब है फैन के एंड में, ये इधर आपके हिंज पे जाएगा, और हिंज पे इधर एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि आपके फैन को अच्छे से हेल्प करेगा सेट करने में। ये फैन गया नीचे, हाँ। सो फैंस लग गए, अभी इसको टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप कर भी सकते हो, इधर के दो बोल्ट लगा सकते हो इसके अंदर, या अभी मत लगाओ। अब नेक्स्ट चीज़ है हीट सिंक, जो कि फैन के ऊपर जाती है। और हीट सिंक का ओरिएंटेशन ये है, जो बड़ा वाला डाई होता है दिस इज वो GPU, ये GPU है आपका, और ये CPU है, इसके लिए छोटा डाई है। तो हीट सिंक को भी हम लोग ऐसे अलाइन कर देते हैं। वेट अ सेकंड, इसको लाना पड़ेगा इधर। आप जितना लाइटली टाइट कर सकते हो उसको इतना टाइट कर लो हीट सिंक को। हीट सिंक को टाइट करने का एक स्पेशल मेथड होता है, नॉट सो स्पेशल, इट्स मोर लाइक कॉमन सेंस। इसको आपको प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है थ्रू आउट ऑल द डिफरेंट स्क्रूज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इस हीट सिंक में 3 स्क्रूज हैं और इस सारे हीट सिंक में भी 3 स्क्रूज हैं। तो फिर आप इसको जेंटली टाइट कर लो, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसको जेंटली टाइट कर लो, जितना भी आपके फिंगर से आप टाइट कर सकते हो, डोंट अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स ऑन दैट। और एक बार ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इसका प्रेशर, एक बार जब प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो फिर आपको इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। सो एक स्क्रू से स्टार्ट करो, थोड़ा टाइट करो उसको, गो टू द सेकेंड वन, थोड़ा और टाइट करो उसको, एंड कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस फॉर लिटिल वाइल। ये अलाइन हो गया, ये अलाइन हो गया, हीट सिंक भी लग गए हैं मेरे लैपटॉप के अंदर। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये अलाइन होंगे सही से पीछे से। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसकी जो कैविटी है उसके अंदर हीट सिंक अच्छे से अलाइन हो गया है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दीज थिंग्स आर मशीन इन अ वे, ये एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप इसको मेस नहीं कर सकते। सो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मेन स्क्रूज लगाते हैं जो कि हिंज के स्क्रूज हैं, सिल्वर कलर स्क्रूज। इसको यहाँ पे आप पीछे रखो और उसको टाइट कर दो।
ये जो स्क्रूज थे लिटिल शाइनी स्क्रूज, ये थे फैंस के लिए, तो फैंसी स्क्रूज में इधर रखता हूँ, और मैंने दो फैंसी स्क्रूज को किधर डाल दिया है डोंट रिमेम्बर दैट, तो इसके अंदर ही है, ये मैग्नेट पे चिपके हुए थे फैंसी स्क्रूज। टेक अ मैग्नेट अटैच टू योर स्क्रू ड्राइवर, और उसके बाद स्क्रू को उसके अंदर टच करके तो ये इसके ऊपर लग जाएगा, ये इससे बहुत ईजी हो जाएगा उसको स्क्रू इंस्टॉल करना। सारे स्क्रूज के ऊपर आप एक बार अच्छे से उसको टाइट कर लो इन केस यू लेफ्ट एनी, क्योंकि अगर डिसबैलेंस फोर्स लगता है इसके डाई और हीट सिंक के बीच में तो फिर इशू ये हो जाएगी कि वो थर्मल थ्रॉटल करने लगेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा थ्रू आउट द हीट सिंक। एट लास्ट आप इसके फैंस को कनेक्ट कर लो वापस से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पुश इट ऑल द वे इन, इसके ऊपर फोर्स मत लगाना, फोकस हो जाइए, हाँ इसके ऊपर फोर्स मत लगाना, इधर साइड में जो टैब्स है इसके ऊपर रख के फोर्स लगाना आप, तो फिर अच्छे से अंदर चला जाएगा ये, जैसे ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पे भी यूज़ अ लिटिल समथिंग टू पुश इट इन, इसके वायर्स के ऊपर थोड़े प्रेशर नहीं लगाना है, इधर थोड़ा प्रेशर लगा करके इसको आप अच्छे से अंदर भेज दोगे, और वायर्स के ऊपर प्रेशर मत लगाना, और ये जो सॉकेट आपको दिख रहा है मदरबोर्ड के ऊपर इसके ऊपर प्रेशर मत लगाना, क्योंकि अगर ये उखाड़ता है तो ये अपने साथ पैड्स को भी उखाड़ लेगा, दैट विल बी रियली बैड। एंड एट लास्ट हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, ओके बैटरी ऐसे कनेक्ट होनी चाहिए आपकी, ये कनेक्टर पूरा अंदर जाना चाहिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे लेट्स स्टार्ट द लैपटॉप एंड सी वेदर दिस फैन स्पिन और नॉट, क्योंकि पूरा मतलब ही वही था इस लैपटॉप को ख़राब करने का कि ये थर्मली एक्टिव हो जाए, तो लैपटॉप ऑन किया मैंने एंड एज यू कैन सी द फैंस आर स्पिनिंग, तो हमने तोड़ा नहीं है लैपटॉप अभी तक, इधर देखते हैं लैपटॉप को मैं अभी नहीं रख रहा हूँ ज़मीन पे, सॉरी बैक पे, क्योंकि मैंने इसका बैक पैनल इंस्टॉल नहीं किया अभी, सो लैपटॉप पूरा ऑन हो जाने देते हैं। एंड लेट्स गो, लैपटॉप टर्न्स ऑन एंड वर्क्स कंप्लीटली फाइन, सो द वन लास्ट थिंग लेफ्ट इन दिस लैपटॉप इज टू क्लोज इट अप, मैं देख लूँ बिल्कुल मिस्टेक नहीं की है, ये कनेक्टेड है द बायस बैटरी इज कनेक्टेड, बोथ द फैंस आर कनेक्टेड, ऑल द स्क्रूज आर इन, ओके सो फाइनली लेट्स क्लोज इट अप। सो या आई क्लोज माई लैपटॉप अप एंड फंक्शन क्यू, मैंने म्यूट किया लैपटॉप को, और मैं माइक पास लेके आता हूँ आपको दिखाता हूँ कि ज़्यादा साउंड नहीं है इस लैपटॉप में। एंड अर्लियर इट वॉज लाइक अ जेट इंजन, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यू आर वॉचिंग सीकिंग टेक एंड सी अगेन, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू, एंड अगर आपको लैपटॉप साफ करना है अपना तो यू कैन वॉच दिस ट्यूटोरियल।